हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप बिल्कुल मजे में होंगे एंड सेफ होंगे। क्या आपको अकाउंट अच्छी तरह समझ में आ रही है? अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपको कोई भी सजेशन देनी हो, प्लीज कमेंट करो। आप समझ सकते हो, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, बहुत टाइम लग रहा है और मैं अपनी तरफ से पूरा 100% लगा रहा हूँ कि वीडियो की क्वालिटी आपको अच्छी दूं, वे ऑफ टीचिंग भी आपको अच्छी दूं। मैं अपनी तरफ से 100% लगा रहा हूँ, पर आप कोई भी आपको डाउट लग रहा है, आपको कोई भी सजेशन देनी है तो मुझे कमेंट करो। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो। ऐसे करोगे तो क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे मोटिवेशन की बहुत जरूरत है, क्योंकि आप समझ सकते हो वीडियो बनाने में बहुत बहुत मेहनत लग रही है। ओके, तो आज हम अकाउंट में चैप्टर 4 जर्नल स्टार्ट करेंगे। जर्नल का मतलब क्या है? नोट, डायरी। मीन्स इस चैप्टर में हमें क्या बनाना है? जर्नल बुक बनाना है। मीन्स बिजनेस में आप समझ सकते हो रेगुलर ट्रांजेक्शन होते हैं, अनलिमिटेड परचेस हुई, सेल हुई, बहुत सारे अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन होते हैं। तो जो भी ट्रांजेक्शन है वो जर्नल बुक में लिखे जाते हैं। जो आप सेकंड चैप्टर में डेबिट क्रेडिट के रूल सीखे हैं वही काम आने वाले हैं। आपको सेकंड चैप्टर आना बहुत जरूरी है, जिसमें मैंने आपको रूल्स समझाए। आपको रूल्स पता होना चाहिए भाई, डेबिट किस तरह होता है, क्रेडिट किस तरह होता है, वो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो इसमें इस चैप्टर में भी हमें जर्नल बुक बनाना है। जर्नल बुक में भी हमें जर्नल एंट्री करनी है, वही सोचना है डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। और जर्नल बुक जो है वो अकाउंट का फंडामेंटल बुक है। ये बुक आपको अच्छी तरह आएगा। मेन क्या होता है, अकाउंट में सबसे पहले यही बनाना पड़ता है जर्नल बुक, और उससे रिलेटेड ही उसकी पोस्टिंग करके दूसरे बुक और दूसरे अकाउंट बनाए जाते हैं। वो हम आगे के चैप्टर में सीखेंगे, बट इस चैप्टर में हमें जर्नल बुक सीखना है। तो सबसे पहले जर्नल बुक किस तरह बनाते हैं वो समझे। देखो, जर्नल बुक इस तरह बनाया जाता है। देखो, मैंने बनाया जर्नल बुक ऑफ सोनू, ठीक है। तो उसमें कैसे बनाते हैं, पहले डेट का कॉलम आता है, ठीक है, फिर पर्टिकुलर का कॉलम थोड़ा बड़ा बनाना। इसके बाद एलएफ मीन्स लेजर फोलियो नंबर, मीन्स कोई भी आप एंट्री करते हो ना तो उसकी पोस्टिंग करके दूसरे अकाउंट में जाती है, तो वो दूसरे अकाउंट में कहां पे गई उसका पेज नंबर यहां पे लिखा जाता है। पर आपको सिर्फ नॉलेज हो, आपको एलएफ में कुछ भी नहीं लिखना है। ओके, सिर्फ आपको इतना नॉलेज होना चाहिए। एलएफ का मतलब है लेजर फोलियो नंबर, मीन्स उसपे पेज नंबर लिखा जाता है, आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ओके, जब प्रैक्टिकली किसी भी बिजनेस का बनाओगे कुछ टाइम पे काम आएगा, एट प्रेजेंट आपको काम नहीं आएगा। सिर्फ एलएफ का कॉलम बनाना है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एलएफ का कॉलम बहुत छोटा बनाना है, और इसके बाद डेबिट और क्रेडिट का इसमें अमाउंट लिखेंगे भाई, डेबिट की अमाउंट इसमें लिखेंगे, क्रेडिट की अमाउंट इस तरह लिखेंगे। तो आपको जर्नल बुक इस तरह बनाना है। ओके, और बिजनेस में जो भी आपको ट्रांजेक्शन होते हैं उसकी आपको एंट्री करनी है, जैसे कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, वही करना है आपको। उसके लिए मैंने ये 3 एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। तो देखो, अभी इसको लिखते कैसे हैं वो समझा रहा हूं मैं। देखो, अभी जैसे कि मैंने फर्स्ट नंबर ट्रांजेक्शन क्या लिया, परचेस गुड्स ऑफ ₹5,000 ऑन कैश। भाई, मैंने 5,000 का माल परचेस किया, और वो भी क्लियर बता रहा है कैश पे। तो आप रूल्स के हिसाब से सोचो, आपके बिजनेस में क्या आ रहा है, आपके बिजनेस में गुड्स आ रहा है, और गुड्स किस तरह आते हैं, परचेस किया तो परचेस अकाउंट डेबिट। ओके, और आपके बिजनेस में से जा क्या रहा है, कैश जा रही है, एसेट जा रही है, तो कैश जा रही है तो कैश अकाउंट क्रेडिट। ओके, मींस क्या हुआ, परचेस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। पर उसको लिखते कैसे हैं, इस तरह लिखना है। सबसे पहले इसमें डेट में आपको डेट लिखनी है, पर इसमें डेट नहीं है, सीरियल नंबर है, तो नंबर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो किस तरह लिखोगे, जब जो डेबिट करते हैं ना वो लाइन के बिल्कुल बाजू में ही लिखना है, बरोबर, लाइन के आगे ही लिखना है। इस तरह यहीं से शुरू करूंगा भाई, इस तरह लिखूंगा परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट और डेबिट दूर जाके लिखना। वे ऑफ राइटिंग समझोगे, लिखते कैसे हैं वो समझा रहा हूं मैं। ओके, तो परचेस अकाउंट डेबिट, और फिर क्या लिखते हैं, क्रेडिट में 2 लिखा जाता है, ऐसा नहीं है कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं लिखेंगे, इस तरह लिखते हैं 2 कैश अकाउंट, और थोड़ा आगे जाके लिखना 2 कैश अकाउंट, और इसको पढ़ना भी ऐसे है, परचेस अकाउंट डेबिट 2 कैश अकाउंट, ठीक है। तो अमाउंट लिखेंगे, डेबिट में 5,000 का माल परचेस किया, और क्रेडिट में 5,000 2 कैश अकाउंट, भाई पैसे आपके गए। तो इस तरह आपको लिखना है। और दूसरी बात, इसमें नरेशन लिखनी पड़ती है, मीन्स ब्रैकेट में आपको लिखना है कंपलसरी, पहले बीइंग लिखा करो, बीइंग, और फिर जो ये ट्रांजेक्शन है वही लिख दोगे तो भी चलेगा, या बना के लिखोगे परचेस गुड्स ऑन कैश, इतना लिखोगे तो भी चलेगा, पूरा लिखोगे तो भी चलेगा, परचेस गुड्स ऑफ ₹5,000 ऑन कैश वो भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो मैं पूरा ही लिख देता हूं, परचेस गुड्स ऑफ
गुड्स ऑफ रुपीज 5000 ओके ऑन कैश, इस तरह लिखा जाता है, इसको नैरिश बोलते हैं, ब्रेकेट में लिखना पड़ता है, आगे बींग लिखना ओके। और ये एंट्री पूरी हो गई ना तो पर्टिकुलर में आप ऐसे लाइन दे दो, सिर्फ पर्टिकुलर में ध्यान रखना और कहीं पे भी नहीं, सिर्फ पर्टिकुलर में ऐसे लाइन दे देना। इसके बाद दूसरा नंबर मैंने क्या लिया, सैलरी पेड रुपीज 3000 सॉरी सैलरी पेड 3000। तो आप खुद सोचो सैलरी, सैलरी क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या होता है रूल्स के अनुसार डेबिट, मीन सैलरी अकाउंट डेबिट होगा और बिजनेस में से जा क्या रहा है, पे कर रहा है ना कैश, तो कैश आपके बिजनेस में से जा रही है, तो गुड्स कॉस्ट ऑफ क्या होता है क्रेडिट, रूल्स सोचो, आपको रूल्स ही सोचना है ठीक है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट, और किस तरह लिखेंगे, इस तरह सबसे पहले तो हम सेकंड नंबर लिखें, सीरियल नंबर सेकंड, या डेट हो तो डेट लिखेंगे, क्या लिखूंगा जो डेबिट हुआ, सैलरी अकाउंट डेबिट, ध्यान रखो देखो मैं लिख कैसे रहा हूं वो देखो, जो डेबिट होता है वो लाइन के बाजू में ही लिखना है, और जो क्रेडिट लिखना है आगे जाके टू लिखूंगा, टू कैश अकाउंट ओके, इस तरह लिखना है ठीक है। फिर अमाउंट लिखूंगा सैलरी कितनी है 3000 डेबिट में, एंड कैश कितनी है 3000 ओके। तो इसको कैसे रीड कर दे, इस तरह सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्रेडिट नहीं बोलते उसमें टू आता है, क्रेडिट में टू बोला जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखना, पहली बार सीख रहे हो तो आपको बेसिक नॉलेज देना बहुत जरूरी है ठीक है। तो इस तरह लिखते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फिर क्या करूंगा बींग, ब्रेकेट में लिखूंगा बींग सैलरी पेड, मैंने आपको बताया ये लिखना पड़ता है कंपल्सरी, सैलरी पेड रुपीज 3000 नहीं लिखोगे तो भी चलता, सिर्फ आप लिख देते सैलरी पेड तो भी चल जाता, 3000 उसमें लिखा है बस ओके, इट्स योर चॉइस, लिखो तो भी चलेगा नहीं लिखो तो भी चलेगा ठीक है। फिर क्या करना, पर्टिकुलर में ऐसे लाइन दे देनी है, मैंने आपको बताया। फिर क्या करेंगे, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर में देखो क्या बता रहे, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 7000 टू राजू ऑन क्रेडिट, मीन्स हमने राजू को 7000 का माल गुड्स सेल किया, वो भी क्लियर बता रहे ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब है पैसे अभी नहीं मिल रहे इन फ्यूचर मिलेंगे, मीन्स यहाँ पे राजू क्या होगा, राजू इज रिसीवर बराबर ना, राजू आपके बिजनेस से ले रहा है, सो रूल्स के अनुसार राजू अकाउंट डेबिट ओके। और आपके बिजनेस में से क्या जा रहा है, गुड्स जा रहे हैं, माल जा रहा है, सेल कर रहा है ना, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट, तो एंट्री क्या होगी, राजू अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट क्रेडिट, पर उसको रीड कैसे करते हैं, राजू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ओके। तो इस तरह यहाँ पे मैं लिखूंगा, थर्ड नंबर यहाँ पे लिखूंगा, तो राजू अकाउंट डेबिट ठीक है, राजू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल कर रहे हैं गुड्स जा रहे हैं टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट क्या लिखूंगा, जो अमाउंट है 7000 ठीक है, और नरेशन लिखूंगा ब्रैकेट में बीइंग गुड्स सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 7000 ठीक है टू राजू, वह राजू को हमने 7000 का माल सेल किया ठीक है। फिर हो गया तो इसमें क्या करोगे आप, ऐसे लाइन बन दो, लाइन कर दो, इसके बाद क्या करते हैं, इसका टोटल करना पड़ता है ठीक है, तो इसका हम टोटल करेंगे, तो यहां पे आएगा टोटल, और यहां पे टोटल करोगे तो क्या होगा 15000 और ये भी 15000, डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा सेम आना चाहिए ओके, हमेशा सेम ही होगा, तो क्योंकि जितना डेबिट अमाउंट होती है उतनी क्रेडिट अमाउंट होती है रूल्स के अनुसार ओके। तो दोनों पार्ट इस तरह आपको जनरल बुक बनाना है, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया ठीक है। तो अभी हम डिटेल में और करेंगे, और एग्जांपल करेंगे, तो उसके लिए हमें लैपटॉप में जाना पड़ेगा ज्यादा डिटेल में समझने के लिए ओके। तो अभी हम लैपटॉप में चलते हैं, अभी हम इलस्ट्रेशन फर्स्ट करेंगे, तो सबसे पहले उसकी मीनिंग समझें, इलस्ट्रेशन फर्स्ट देखो क्या बता रहा है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल बुक ऑफ प्रिया, मीन्स हमें प्रिया का जर्नल बुक बनाना है ओके। मीन्स आपको नीचे अलग अलग ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं और उसकी हमें एंट्री करनी है, जैसे मैंने आपको समझाया। तो जर्नल बुक बनाते कैसे हैं, मैंने आपको समझाया, देखो आप जर्नल बुक इस तरह बनाया जाता है, सबसे पहले डेट का कॉलम आएगा, इसके बाद पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर का कॉलम बड़ा बनाना है ठीक है, मैंने आपको बताया देख सकते हो बड़ा बना हुआ है। इसके बाद एलएफ नंबर, एंड एलएफ नंबर में मैंने बताया था पेज नंबर आएगा। इसके बाद डेबिट रुपीस एंड क्रेडिट रुपीस, जो भी डेबिट में जाएगा तो डेबिट में लिखेंगे, जो क्रेडिट में जाएगा तो क्रेडिट में लिखेंगे ओके। तो इस तरह आपको बनाना है। तो देखो अभी हम ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे और उस हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे ठीक है। तो सबसे पहले मार्च 2014 है ठीक है, पहली तारीख को कर रहे हैं। तो देखो क्या बता रहे हैं, गुड्स ऑफ रुपीज 5000 का माल इस परचेस ऑन कैश
कैश में परचेस किया, तो आप खुद सोचो आपके बिजनेस में आ क्या रहा है। आपके बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं, और गुड्स कैसे आ रहे हैं, आप परचेस करो। रूल्स को सोचना है, रूल्स सोचना है, रूल आएंगे तो ये एंट्री आपको इजी लगेगी, नहीं तो टफ होगी। अगर जो आपको रूल्स नहीं आते हो तो पहले सेकंड चैप्टर समझो फिर से, फिर ये समझो तो बहुत इजी लगेगा। ओके, बिल्कुल इजी है और ये बेसिक है, ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। ये आपको आएंगे तो अकाउंट के आगे जो भी हम चैप्टर करेंगे वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए। तो ये चैप्टर आपको अच्छी तरह आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ही पता चलेगा कि डेबिट क्या हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है। ओके, तो ये आना बहुत ज़रूरी है, ये बेस है, ये बेसिक है मेन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ट्रांजेक्शन में क्या बता रहा है, 5,000 का माल परचेस किया ऑन कैश। ठीक है, तो आप खुद सोचो आपके बिजनेस में क्या आ रहा है, आपके बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं, और गुड्स कैसे आ रहे हैं, आप परचेस कर रहे हो तो क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट। और आपके बिजनेस में से जा क्या रहा है, आपके बिजनेस में से कैश जा रही है, कैश जा रही है मीन्स कैश अकाउंट क्रेडिट, तो उसको किस तरह बोलेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, तो देखो इस तरह लिखा जाएगा, आप देख सकते हो, देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है पहले 2014 लिखा हुआ है, फिर मार्च की फर्स्ट डेट, देखो लिखा हुआ है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखा हुआ ना, और आप देखो परचेज जो है देखो आगे लिखा हुआ है और टू आगे लिखा हुआ है, जैसे मैंने वे ऑफ राइटिंग आपको समझाया पहले, ठीक है ना, उसकी तरह ही आपको लिखना है। और अमाउंट में 5,000 5,000, और देखो नरेशन भी लिखा हुआ है बीइंग गुड्स ऑफ रुपीज 5,000 परचेस ऑन कैश, मैंने आपको बोला ये नरेशन लिखना जरूरी होता है। और ये पूरी एंट्री कंप्लीट हो गई तो नीचे आप देख सकते हो लाइन दी हुई है, लाइन देखो जरूरी नहीं होती है लाइन देना, पर क्या है दो के तो बेटर रहता है कि आपको अलग से पता चलता है कि ये एंट्री अलग है दूसरी एंट्री अलग है, दो के तो बेटर है। अगर जो आप नहीं भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर जो समझो आप लाइन नहीं दे रहे हो तो लाइन छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, फिर स्टूडेंट क्या करते हैं एक लाइन छोड़ के फिर दूसरी एंट्री लिखते हैं, नहीं लाइन नहीं छोड़नी है अकाउंट में, रूल्स के अनुसार लाइन आपको नहीं छोड़नी है ये याद रखना। पर सिंपल है, मैं आप सबको सजेशन देता हूँ कि पर्टिकुलर में नीचे लाइन दे दो तो बेटर रहता है। ओके, बाकी आपकी मर्जी है। ओके, तो ये आपका जो हुआ फर्स्ट नंबर एडजस्टमेंट हो गया, मीन्स फर्स्ट नंबर एंट्री हो गई सॉरी। अभी फोर्थ नंबर पढ़ेंगे, फोर्थ डेट को देखो क्या बता रहा है, गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 के गुड्स परचेस फ्रॉम नंदन ऑन क्रेडिट। देखो आपने 8,000 का माल परचेस किया है नंदन से, और क्लियर बता रहा है ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट का मतलब है आपने पैसे नहीं दिए। तो आपके बिजनेस में सबसे पहले तो सोचो क्या आ रहा है, आपके बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं, और गुड्स कैसे आ रहे हैं, आपने परचेस किया है तो उसको क्या बोलेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट। और हु इज गिवर, कौन दे रहा है आपके बिजनेस को, नंदन, तो नंदन अकाउंट क्रेडिट, तो एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू नंदन अकाउंट। ओके, बिल्कुल इजी। एंड जो अमाउंट है वो लिखेंगे 8,000 देख सकते हो आप फोर्थ डेट को, आप देखो यहाँ पे फोर्थ डेट परचेस अकाउंट डेबिट टू नंदन अकाउंट लिखा हुआ है, और देखो नरेशन भी लिखा हुआ है बीइंग गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 परचेस फ्रॉम नंदन ऑन क्रेडिट, और अमाउंट में 8,000 8,000। ठीक है, तो सिंपल है बिल्कुल। तो यहाँ पे ये फोर्थ डेट हो गया, अभी आगे बढ़े हम सेवन डेट को, आप देख सकते हो सेवन डेट को क्या बता रहा है, गुड्स ऑफ रुपीज 4,000 इज सोल्ड टू जिग्ना, 4,000 का माल सेल कर रहे हो जिग्ना को, तो आप देखो जिग्ना को सेल कर रहा हो, क्लियर बता रहा है, नाम दिया हुआ है, नाम दिया हुआ मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, जिग्ना ने पैसे नहीं दिए हैं, बराबर ना, तो आपको समझना है। तो यहाँ पे जिग्ना इज रिसीवर, आप उसको दे रहे हो, जिग्ना रिसीव करे तो रिसीवर अकाउंट डेबिट होता है, तो जिग्ना अकाउंट डेबिट होगी। और आपके बिजनेस में से जा क्या रहा है, आपके बिजनेस में से गुड्स जा रहे हैं, और गुड्स कैसे जा रहे हैं, आप सेल कर रहे हो तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ओके, तो एंट्री क्या होगी, जिग्ना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इस तरह होगी। ठीक है, आप देख सकते हो, हम नीचे देख रहे हैं सेवन नंबर, देखो देखो लिखा हुआ है जिग्ना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, सेवन, और नरेशन भी लिखी हुई है बीइंग गुड्स ऑफ रुपीज 4,000 सोल्ड टू जिग्ना ऑन क्रेडिट, देखो यहाँ पे ऑन क्रेडिट लिखा है और वहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, वो सिर्फ बोल रहा था जिग्ना को सेल किया, तो आपको समझना है कि वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन, मैंने आपको बताया कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है, और उसको किस तरह पहचानो, किस तरह रिकॉग्नाइज करो, वो भी मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री होगी जिग्ना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4,000 4,000। ठीक है, ये हो गई सेवन नंबर एंट्री। फिर क्या करेंगे, इसके बाद है हमारे पास 12 नंबर एंट्री। ओके, तो 12 नंबर एंट्री में देख सकते हो कमीशन रिसीव्ड 12 डेट को है, मींस कमीशन रिसीव्ड रुपीज 200, मींस आपको कमीशन रिसीव्ड बोल रहा है, रिसीव्ड का मतलब पैसे आ रहे हैं, और रिसीव्ड है तो आपकी इनकम है, तो आपके सबसे पहले सोचो आपके बिजनेस में आ क्या रहा है, कैश आ रही है तो कैश अकाउंट डेबिट, एंड कमीशन जो आपके बिजनेस के लिए क्या हो गई, इनकम हो गई ना, क्योंकि आपको मिल रही है, और इनकम रूल्स के अनुसार क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू
कमीशन अकाउंट, ओके इस तरह होगी। आप देख सकते हो नीचे 12 डेट को, देखो लिखा हुआ है 12 डेट को कमीशन कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। आपके बिजनेस में कैश आ रही है और कमीशन इनकम है रूल्स के अनुसार, एंड बीइंग कमीशन ऑफ रुपीज 200 इज रिसीव्ड, बराबर ना, ये नरेशन लिखनी है और सामने अमाउंट 200 एंड 200 है, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट एंट्री है 15 डेट को आप देख सकते हो क्या दिया हुआ है, वेजेस एक्सपेंस पेड 150। क्लियर बता रहे हैं वेजेस एक्सपेंस, वेजेस मीन्स आप मजूरी दे रहे हो, आपके बिजनेस का एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, और आपके बिजनेस में से जा क्या रहा है, नेचुरली पे कर रहे हो, कैश जा रही है तो कैश अकाउंट क्रेडिट, बिल्कुल सिंपल। तो एंट्री क्या होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिर्फ रूल्स को सोचो आप, ठीक है ना, रूल्स के अनुसार आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हो लास्ट डेट को ये 15 वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट देखो लिखा हुआ है और नीचे नरेशन भी लिखी हुई है, बीइंग वेजेस ऑफ रुपीज 150 इज पेड, फिर लाइन दी हुई है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, जो ये डेबिट की अमाउंट है, ये डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट की अमाउंट उन दोनों का टोटल कर देना है। तो ये टोटल आप देख सकते हो, ठीक है, 17,350 दोनों साइड सेम आएगा। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन फर्स्ट कंप्लीट हो गया, ओके। अभी एक और इलस्ट्रेशन हम कर देते हैं, इलस्ट्रेशन टू करते हैं, देखो। तो इलस्ट्रेशन टू में आप देखो, जस्ट अ मिनट, हाँ देखो यहाँ पे हमारा इलस्ट्रेशन टू आया, देख सकते हो, जस्ट अ मिनट, इलस्ट्रेशन टू देखो आप, ये इलस्ट्रेशन टू दिया हुआ है, ओके। देखो क्या बता रहा है, टू कमेंस बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट, कमेंस का मतलब बिजनेस स्टार्ट करना, विथ नेम राधिका हेल्पलाइन, भाई बिजनेस का नाम रख रहा है राधिका हेल्पलाइन, ठीक है, मीन्स ऑनर ही हुआ ऐसे समझो। ब्रॉड इन दी बिजनेस, बिजनेस में क्या लेके आ रहा है, ब्रॉड का मतलब लेके आया बिजनेस में, क्या लेके आ रहा है, रुपीज 20,000 कैश, मशीनरी 10,000, स्टॉक 15,000। देखो तीनों एसेट है, कैश भी एसेट है, मशीनरी भी एसेट है, एंड स्टॉक भी आपके एसेट है, तीनों एसेट जो है बिजनेस में आ रही है, और तीनों आ रही है तो तीनों डेबिट, बराबर ना, डेबिट व्हाट कम्स इन आपके बिजनेस में जो भी आएगा डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, हु इज गिवर, कौन दे रहा है आपके बिजनेस को, राधिका हेल्पलाइन, और बता रहा है मीन्स ऑनर ही दे रहा है, बिजनेस कमेंस कर रहा है तो ऑनर लेके आ रहा है, नेचुरली लेके आया, उसके बाद ही बिजनेस स्टार्ट किया, क्लियर बता रहा है, सॉरी क्लियर बता रहा है, तो कौन लेके आ रहा है, ऑनर लेके आ रहा है, ओके। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, तो एंट्री क्या होगी, इस तरह होगी, कैश अकाउंट डेबिट 20,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 15,000, तीनों आ रहे हैं तो तीनों डेबिट होंगे, एंड टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में क्या लगाओगे, इन तीनों अमाउंट का टोटल, भाई 20,000, 10,000 और 15,000 तीनों मिला के 45,000 होगा, तो 45,000 क्रेडिट होगा और वो भी कैपिटल में, ओके। तो देख सकते हो इस तरह लिखा होगा, एंट्री आप चेक कर सकते हो। देखो सबसे पहले तो आपको बनाना है डेट पर्टिकुलर, एलएफ डेबिट रुपीज़ क्रेडिट रुपीज़, इसके बाद आप एंट्री देखो, देखो तीनों चीज़ें आ रही थी, कैश अकाउंट डेबिट 20,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 15,000, टू कैपिटल अकाउंट, देखो तीनों मिला के 45,000 है ना। तो यहाँ पे इसका फिर टोटल कर देना, एक ही एंट्री है, फिर आप टोटल कर दो, 45,000 आएगा। तो यहाँ हमारा इलस्ट्रेशन टू भी कंप्लीट हो गया, इलस्ट्रेशन टू में सिर्फ एक ही एंट्री थी। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों इलस्ट्रेशन समझ में आए होंगे, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। खुश रहो, आबाद रहो, सेफ रहो, एंड दुआ में याद करना, थैंक यू।